तो हाँ सिंचन, तू बता आज क्या खाना चाहता है। बर्गर, पिज्जा, मोमोज, जो भी खाना तुझे बता। आज संडे है, आज मैं तेरा फेवरेट खाना बनाऊंगा। तो बता तुझे क्या खाना है, जल्दी से फटाफट से। अलीफ लैंकिन भैया, मेरा ना फेवरेट है बर्गर, पर मुझे खाना है ना पिज्जा। मेरा बहुत दिल कर रहा है लैंकिन भैया, पिज्जा बनाइए ना आप। ओके सिंचन, आपकी फरमाइश मुताबिक बनेगा पिज्जा। तो आप थोड़ा सा नहा धो के आइए, स्नान करके आपके लिए मैं पिज्जा बना के रखता हूँ मेरे भाई। अलीफ लैंकिन भैया, आज बड़े खुश आप लग रहे हैं, कोई गुड न्यूज है क्या? अगर है तो बताइए ना। नहीं यार सिंचन, कुछ नहीं, थोड़ा ऐसे ही मजाक कर लिया। तो क्या तू मेरा भाई नहीं है? मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझे महाराजा बनाकर रखा हूँ, मेरे आका। अरे यार फ्लैंकिन भैया, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। बताइए ना कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई है? बताइए, अगर आपको लड़की पसंद आ गई तो बताइए, मैं उसे जाके बात कर लूंगा, वो मान जाएगी आपकी शादी के लिए। अबे यार सिंचन, तू क्या दिमाग भिड़ा रहा, जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं है। तेरे फ्रैंकलिन को भी कोई लड़की पसंद नहीं आई है, मुझसे बहाने मत करिए फ्लैंकिन भैया, समझे ना। मुझे सब पता है, आपको कोई लड़की पसंद आ गई तभी आप इतने खुश और मगन है। माना कि आप मुझे बहुत चाहते हैं, अपने भाई जैसे समझते हैं, फिर भी आपको कोई ना कोई लड़की पसंद आई है। मुझे बताइए फ्लैंकिन भैया, बताइए ना फ्लैंकिन भैया। हाँ तो तू मानेगा नहीं सिंचन, बगैर सुने सारी बात है ना। वैसे तुझे पता कैसे चल जाता है यार कि मुझे कोई लड़की पसंद आई है और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ? है तो तू फ्रैंकलिन का ही खैर भाई, तो तुझे पता चल ही जाएगा। तो ठीक है, मैं तुझे अपनी लव स्टोरी सुनाता हूँ, तू बोर तो नहीं होगा? अरे फ्लैंकिन भैया, मैं क्यों बोर होऊंगा भला आपकी बातों से। सुनाइए ना मुझे अपनी लव स्टोरी, कहाँ से स्टार्ट हुई है? ज्यादा लंबी नहीं है सिंचन, कल की बात है। मैं आ रहा था बस स्टॉप पे, एक लड़की थी जो बहुत ही सीधी और बहुत ही भोली, वो मुझे दिखी और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ गई। उससे मेरी दोस्ती हो गई है, पर मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। अगर वो मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो फिर कोई बात नहीं, फ्रैंकलिन के नसीब में नहीं रहेगी वो लड़की। अरे फ्रैंकलिन भैया टेंशन मत लीजिए, वो आपको हाँ कर देगी, आपकी जैसा स्मार्ट लड़का उसे मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप भले स्मार्ट हैं। अरे यार जाके देखता हूँ ये सिंचन कर क्या रहा है सुबह सुबह, मुझे तो भूख बहुत कसके लगी, पर मेरे मोम डैड नहीं है, मुझे खाना कौन बना के देगा? यार सिंचन को ही बढ़िया बढ़िया फ्रैंकलिन के साथ रहता है और फ्रैंकलिन से अच्छे अच्छे खाने बना के देता है। आज संडे है ना, फ्रैंकलिन इसे खूब अच्छा खाना बना के देगा, इसे घुमाने फिराने ले जाएगा। मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो गरीब नाता हूँ, मैं तो कचरे के डिब्बे से निकाल के खाना खाता हूँ। क्यों ना ऐसा करता हूँ, सिंचन को अपने साथ ले जाऊँ, खिलाने के बहाने उसे धक्के मार के मार दूँ और मैं सिंचन बन के फ्रैंकलिन के घर में आ जाऊंगा। मैं तो सिंचन में ही बिल्कुल मिलता हूँ, बस कपड़े चेंज करने की जरूरत है। ठीक है ये ठीक रहेगा, सिंचन बोला है वो मेरे साथ चला जाएगा, बेवकूफ तो है। तो ठीक है फटाफट से चलता हूँ, सिंचन को बोलूंगा चल सिंचन हम लोग खेलने चलते हैं बाहर, और सिंचन वहाँ पे समंदर में धक्के मार के नीचे गिरा दूंगा और मैं सिंचन बन के फ्रैंकलिन के साथ रहने लगूंगा। तो ठीक है सिंचन, सिंचन सिंचन के तू मेरे साथ खेलने चलेगा क्या? अरे हाँ यार, मैं बहुत बोर हो रहा था, मतलब बोर नहीं हो रहा था, मेरे फ्रैंकलिन भैया मुझे अपनी लव स्टोरी सुना रहे थे। अबे वो सिंचन के बच्चे फालतू बात मत कर, समझा ना, तुझे बता दिया था इसके मतलब तू पूरे में ढिंडोरा नहीं पीटेगा, किसी से कुछ नहीं बोलेगा। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, कुछ नहीं सिंचन, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही कुछ झूठ बोल रहा था तुमसे। अरे तू सब छोड़ सिंचन, चल हम लोग खेलने चलते हैं, बहुत मजा आएगा, वहाँ पे सारे दोस्त लोग खेल रहे हैं, चलेगा क्या तू? अरे हाँ यार, मेला भी खेलने का बहुत मन हो रहा है, रोज है ना टाइम ही नहीं मिलता, संडे को ही तो टाइम मिलता है, नहीं तो ऐसे स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, फिर होमवर्क कर लो। तो क्या फ्रैंकलिन भैया मैं खेलने जाऊँ क्या सिंचन के साथ? हाँ ठीक है सिंचन, जाके तू घूम के आ जा, तब तक शायद से तेरा पिज्जा और बर्गर रेडी हो जाएगा, तो तू आके खा लेना। अरे शुक्रिया फ्रैंकलिन भैया, आप बहुत अच्छे भाई है, मैं सोचता हूँ सबको आपके जैसा भाई मिले तो ठीक है, चलो चलते सिंचन। अरे हाँ ठीक है, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ, जल्दी कर यार सिंचन, क्या सोच रहा है तू? अरे हाँ आ लाऊ। हाँ यार सिंचन संभाल के जाना, सर्बियन डांसिंग लेडी निकली है समझे ना, उसका खतरा बहुत है, शाम होने से पहले आ जाना, मतलब तू एक ही दो घंटे में आ जाना। अरे फ्रैंकलिन भैया घबराइए नहीं, मैं आ जाऊंगा, मुझे सर्बियन डांसिंग लेडी से कोई दिल नहीं लग, चलो यार सिंचन जल्दी करो। अरे हाँ हाँ ठीक है सिंचन, चल मेरे साथ जल्दी मेरे पीछे आ। चलो यार ठीक है, आज मौका बहुत बढ़िया है, सिंचन को मैं धक्के मार के गिरा दूंगा, मार दूंगा। आ रहा कि नहीं सिंचन? अरे हाँ आ लाऊ सिंचन, थोड़ा धीरे दौड़ो। अरे नहीं यार सिंचन, जल्दी जल्दी चलना। अरे यार मैं सिंचन को मार के जल्दी से सबसे पहले खाना खाऊंगा, जो सिंचन ने बर्गर और पिज्जा बनवाया, मेरे मुंह में पानी आ रहा सोच सोच के। चलो ठीक है जल्दी जल्दी से चलता हूँ। अरे ठीक है सिंचन, मैं जीत जाऊंगा। अरे मैं जीत गया सिंचन, तू हार गया, मैं पहले पहुंचा तुझसे ऊपर। अरे नहीं मैं ही जीत गया, तुमसे पहले मैं आ गया था सिंचन। अरे नहीं यार सिंचन, मैं पहले पहुंचा समझे ना, तू बाद में आया, मैं जीत गया तू हार गया। मैं देख कितने ऊंचाई पे चढ़ गया हूँ, कितने ऊंचाई पे हम लोग चढ़ गए बे, अगर हम लोग गिरेंगे तो मर जाएंगे। वैसे चल नीचे वाले पे कूदते हैं, तू कूद के दिखाना सिंचन। अरे सिंचन तू ऐसे कूद के दिखा, और यहाँ पे आके खड़ा होके दिखा, देख मैं कितने किनारे खड़ा हूँ, मुझे डर नहीं लगता। अरे मैं भी कर लूंगा यार सिंचन। अरे तू करके दिखाना, मैं कितने किनारे खड़ा हूँ, तू ऐसे किनारे खड़े होके दिखा मुझे। यार दोस्तों मैं भी कर सकता हूँ सिंचन, तो मुझे बेवकूफ समझता है। ठीक है ये
को कूद गया। अले देखो पिंचन, मैं तो किनारे खड़ा हो गया तुमसे ज्यादा किनारे। अले मैं नहीं डलता, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ पिंचन, देखो मैं तो तुमसे ज्यादा किनारे खड़ा हूँ। अरे ठीक है रुक, जब मैं तेरे पास आता हूँ देखता हूँ तू कितने किनारे खड़ा हुआ है। ठीक है आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे हाँ यार सिंचन, तू तो बहुत किनारे खड़ा हुआ है, तुझे तो डर नहीं लगती, वाकई पे तू बहुत बड़ा हो गया है। हाँ यार मैं जीत गया, अब वो गाड़ी मेरी हो गई, अब तुम्हें नहीं दूंगा पिंचन, अब ये मेरी गाड़ी है। अरे ठीक है यार सिंचन, जब तू जिंदा रहेगा तब ना तेरी गाड़ी होगी। ठीक है सिंचन, मरने के लिए तैयार हो जा तू। अरे ये तुम क्या कह रहे हो पिंचन, मुझे मारना क्यों चाहते हो तू? मैं तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझता हूँ ना, क्या तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं मानते हो? अरे काहे का बेस्ट फ्रेंड, आ तू तो राजाओं वाली जिंदगी जीता है, मैं कुत्तों वाली जिंदगी जीता हूँ। हाँ मैंने माना कि तू इतना अमीर होने के बावजूद मुझे से गरीब को अपना दोस्त बनाया, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पर हाँ यार सिंचन, तुझे मरना पड़ेगा, जब तू मर जाएगा ना मैं तेरे कपड़े पहनकर जाऊंगा, फ्रैंकलिन के साथ रहूंगा। जो जिंदगी तू जीता था वो जिंदगी मैं जीऊंगा, क्योंकि तेरी और मेरी शक्ल सेम है, सिर्फ कपड़े चेंज है। मैं तेरे कपड़े पहन लूंगा तो फ्रैंकलिन मुझे कभी नहीं पहचान पाएगा कि मैं सिंचन हूँ कि पिंचन। अरे यार तुमको तो मैंने अपना दोस्त माना, तुम इतने गरीब थे, तुम्हें खाना दिया खाने के लिए, मैं तुम्हें अपना खिलौना देता था खेलने के लिए, सिर्फ तुम्हें अपना भाई समझता था और अपने सगे भाई से कम नहीं मानता था तुम्हें, पर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? प्लीज पिंचन मुझे मत मारो, प्लीज पिंचन, मैं तुम्हारे छोटे भाई के जैसा हूँ ना, मैं तो तुम्हें हर एक चीज देता था, तुम गरीब हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें हर चीज देता था, पैसा कपड़ा खाना, यहाँ तक कि मैंने आपकी फ्रैंकलिन भैया से बात कर ली थी कि फ्रैंकलिन भैया पिंचन को भी मेरे वाले स्कूल में एडमिशन दिला दो ताकि पिंचन भी पढ़ सके, फिर भी तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो पिंचन? अरे मुझे तुझे मारना है बस, मैं तेरी जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो ठीक है तू मरने के लिए रेडी हो जा, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? प्लीज पिंचन मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज पिंचन, मैं यहाँ से गिरूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं बचूंगा पिंचन। अरे मैं तुझे मारने के लिए तो इतने बहाने से इतने ऊपर लेके आया बेवकूफ, पर तू बेवकूफ छोटा बच्चा है ना, तो इसीलिए तू पागल बन जाता है, तू बच्चा है इसीलिए। अरे प्लीज 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 पिंचन मत मारो, मेरे फ्रैंकलिन भैया मेरे बिना नहीं जी पाएंगे, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे लिए घर पे पिज्जा बर्गर बना कर रखे हैं, वो बोले हैं सिंचन तू खेल के आएगा तो मैं तुझे खाने को दूंगा, वो मेला वेट कर ले होंगे मेरे फ्रैंकलिन भैया पिंचन, प्लीज मुझे जाने दो। अरे तो ठीक है ना, फ्रैंकलिन नहीं रोएगा, मैं तेरे जगह पे सिंचन बन के चला जाऊंगा, तो ठीक है मरने के लिए रेडी हो जा। चल ठीक है मैं तुझे धक्के मारता हूँ तू गिर जा नीचे। अरे प्लीज मुझे बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा। अरे ठीक है सिंचन मर गया, जल्दी से फटाफट से जाता हूँ, उसके कपड़ा पहन लेता हूँ और सिंचन बन के उसके घर चला जाता हूँ, तो ठीक है जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ मैं। अरे ठीक है ये सिंचन की बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है मैं सिंचन के कपड़े बदल लेता हूँ, फिर सिंचन को ले जाके किसी कब्रिस्तान में दफना देता हूँ। चलो ठीक है फटाफट से ले चलता हूँ इसको पहले कब्रिस्तान। अरे ठीक है सिंचन को कब्रिस्तान में ठिकाने लगा दिया। दोस्तों बताओ मैं कैसे लग रहा हूँ, बिल्कुल सिंचन दिख रहा हूँ कि नहीं सिंचन दिख रहा हूँ? उसका कपड़ा बस मैंने चेंज किया है। तो ठीक है सिंचन तू यहीं पे रहे, तेरी औकात यहीं पे है, तूने मुझसे दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है मैं चलता हूँ फ्रैंकलिन के पास और अच्छे अच्छे खाना खाऊंगा, तेरी जो राजा वाली जिंदगी थी मैं जीऊंगा, अब मजा आएगा, मेरी फकीरी वाले दिन चले गए, मैं जाके फ्रैंकलिन के साथ रहूंगा। तो ठीक है जल्दी जल्दी चलता हूँ। अरे वाह आज तो मेरे दिन बहुत अच्छे जाएंगे, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, चलो चलो भाई जल्दी जल्दी चलो फ्रैंकलिन के घर। यार अभी तक सिंचन नहीं आया, जबकि मैंने उससे बोला था कि जल्दी आ जाना, सारा पिज्जा बर्गर ठंडा हो रहा है और मैं उसका वेट कर रहा हूँ, मुझे बाहर भी घूमने जाना है, आज मेरा सिंचन मेरा संडे बर्बाद कर रहा है। मुझे पता है कि संडे को हम लोग जाते हैं कहीं दूर घूमने, मतलब कि कोई पिकनिक करने या तो घूमने, मतलब कुछ भी यार, मजा आती है, संडे अच्छा दिन होता है सबके लिए क्योंकि छुट्टी होता है, तो यार सिंचन आखिर रह कहाँ गया है? अरे ठीक है मैं तो घर पहुंच चुका हूँ फ्रैंकलिन के, बाकी अपनी आवाज को बदलता हूँ। सिंचन कैसे बोलता था? अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं ठीक हूँ, आप लोग समझ गए ना सिंचन ऐसे ही बोलता था। ठीक है मैं फ्रैंकलिन के पास ऐसे ही बोलूंगा। ठीक है जल्दी जल्दी चलता हूँ। अरे फ्रैंकलिन भैया आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ हो फ्रैंकलिन भैया? मैं आ गया खेल के, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया आने में। यार सिंचन तू थोड़ा बोला है, अगर थोड़ा लेट और हो जाता तो रात हो जाती है और मेरा पूरा संडे बर्बाद हो जाता। और तुझे पता है ना यहाँ पे सर्बियन डांसिंग लेडी घूमती रहती है जो इंसानों को खा जाती है, तो तुझे पता है मुझे बहुत डर लग जाती है, मैं तेरी कितनी परवाह करता हूँ, क्योंकि अभी तू बहुत छोटा है यार, तू भोला है यार सिंचन, तू किसी की भी बहकावे में आ सकता है, समझा ना? चल ठीक है पिंचन अपने घर चला गया ना, उसको भी लेते आता, वो भी खा लेता कुछ बर्गर पिज्जा, वो गरीब है उसे कभी मिल नहीं पाता है तो मैं ही दे देता उसे। अरे फ्रैंकलिन इतना अच्छा है मुझे पता नहीं था, चलो ठीक है इसे झूठ झूठ कहानी सुना देता हूँ। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया वो अपने घर चला गया है, अरे जाने दीजिए कल मेरे जा
जाके उसको स्कूल में खिला दूंगा। चलो फटाफट से हम लोग बर्गर पिज्जा खाते हैं, जल्दी करो फ्रैंकिन भैया मुझे भूख लगी है। हाँ चल ठीक है चलते हैं। पहले यार मैं मर चुका हूँ, ये मेरी आत्मा है, मैं तो एक परछाई की तरह हो गया हूँ और वो पिंचैन ने मुझे मार दिया, मेरे फ्रैंकिन भैया के पास रह रहा है मैं बनके। मैं पिंचैन तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने फ्रैंकिन भैया को सारी सच्चाई बताऊंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। पहले दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्रैंकिन भैया मुझे असली समझ सके, नहीं तो कहीं वो पिंचैन गेम न खेल जाए, वो बोलेगा कि ये कोई भूत है और शिनचैन रूप लेकर आया है, असली शिनचैन मैं हूँ। अगर आप लाइक कर देंगे तो शायद मेरे फ्रैंकिन भैया मुझे पहचान जाएंगे। तो ठीक है मैं चलता हूँ अपने फ्रैंकिन भैया के पास। हले यार मैं तो अपने घर आ गया पर मुझे घर में जाते डर लग रही है, कहीं फ्रैंकिन भैया मुझे भूत समझ के भगा ना दें घर से। फिर भी ठीक है यार दोस्तों, कोशिश करना बहुत जरूरी है, कभी ये तकलीफ ना ले जाए दिल में कि मैंने कोशिश नहीं की, अगर कोशिश कर लेता तो शायद फ्रैंकिन भैया मुझे पहचान जाते। तो ठीक है मैं चलता हूँ अपने फ्रैंकिन भैया के पास। ये क्या यार दोस्तों, फ्रैंकिन भैया पिंचैन से बात कर रहे हैं, मतलब उन्होंने पिंचैन को शिनचैन समझ लिया। ठीक है चल के ट्राई करता हूँ, एक बार फ्रैंकिन भैया से बोलता हूँ वो पिंचैन है। सुनिए फ्रैंकिन भैया। अरे यार ये कौन है, ये तो एकदम शिनचैन की परछाई की तरह लग रहा है। हेलो फ्रैंकिन भैया, ये मैं हूँ शिनचैन, आपका प्याला छोटा भाई शिनचैन। ये पिंचैन है, मेरा रूप बदल कर आके यहाँ पे रह रहा है सिर्फ अच्छा खाना पीना और जाओ महाराजों की तरह रहने के लिए। प्लीज फ्रैंकिन भैया इसे मार दीजिए और भगा दीजिए, ये इसने मुझे खेलने के बहाने ले गया और टावल के नीचे मुझे धक्का मार के गिरा दिया और मैं मर गया, बस मैं एक आत्मा बचाऊं। इसे फ्रैंकिन भैया यहाँ से भगा दीजिए, इससे मेरी मौत का बदला लीजिए। अरे यार ये क्या हो गया, ये शिनचैन की आत्मा कैसे यहाँ पे आ गई। ठीक है मैं बोलता हूँ कि मैं ही शिनचैन हूँ, ये कोई भूत है जो शिनचैन का रूप लेकर आया है। अरे नहीं फ्रैंकिन भैया ये कोई भूत मुझे लग रहा है, देख रहे हैं आप ये खाली हल्का हल्का सा एक छाया की तरीके है, ये कोई भूत है, ये तो शेल्बियन डांसिंग लेडी होगी जो मेरा लूप लेकर आई है, ये आपके हाथों मुझे मरवाना चाहती है। प्लीज फ्रैंकिन भैया मुझे मत मारिएगा, ये कोई झूठा भूत है, ये शिनचैन नहीं है। अबे यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये भूत बोल रहा है और शिनचैन तो मेरे पास खड़ा है, मेरा शिनचैन मर नहीं सकता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन असली कौन नकली है। मुझे तो ऐसा लगता है ये कोई भूत है जो मेरे शिनचैन को मेरे हाथों मरवाना चाहता है, मुझे तो पूरा कन्फर्म शायद ये सर्बियन डांसिंग लेडी है जो मेरे हाथों शिनचैन को मरवाना चाह रही है। अरे नहीं फ्रैंकिन भैया मैं ही शिनचैन हूँ, आपके बगल में पिंचैन खड़ा हुआ है, उसकी शक्ल मुझसे मिलती है इसीलिए वो मेरा फायदा उठा रहा है। दोस्तों आप लोग समझाइए ना फ्रैंकिन भैया को कि मैं ही शिनचैन हूँ, वो पिंचैन है, आप लोग कमेंट्स में कह के बोलिए ना। अरे प्लीज समझने की कोशिश करिए फ्रैंकिन भैया, मैं आपका शिनचैन हूँ। ठीक है ये जो खड़ा हुआ है ना, जो अपने आप को शिनचैन बोल रहा है ना, इससे पूछिए कोई ऐसी बात जो इसे पता नहीं है, जो सिर्फ मुझे और आपको पता है, पूछिए फ्रैंकिन भैया। अरे नहीं फ्रैंकिन भैया ये मुझे फंसा रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये शिनचैन नहीं है, ये कोई भूत है, इसे मार दीजिए फ्रैंकिन भैया मार दीजिए। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तू सर्बियन डांसिंग लेडी और मेरे हाथों मेरे शिनचैन को मरवाना चाहती है, तो मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा कि मैं अपने शिनचैन को अपने हाथों से मारूं, क्योंकि वो मेरा प्यारा भाई है और मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम जिद्दी आत्माओं को कैसे घर से निकालते हैं। तो ठीक है सर्बियन डांसिंग लेडी तू मरने के लिए रेडी हो जा, एक मैं पोएट्री पढ़ूंगा जिसे सुन के तू मर जाएगी, तेरी रूह जल के राख हो जाएगी, तो ठीक है तू रेडी हो जा। अरे नहीं प्लीज सब लोग समझाइए ना कि मैं ही शिनचैन हूँ, फ्रैंकिन भैया समझिए प्लीज, मुझे मत मारिए, मेरी आत्मा को मत भगाइए, ये डुप्लीकेट है, इसे मारिए फ्रैंकिन भैया। तो ठीक है मैं पढ़ता हूँ एक कविता जिससे ये बुरी आत्मा मेरे घर से निकल जाएगी। सकला का बुम बुम अक्कर बक्कर बम्बे बोला है, बुरी आत्मा निकल जाए तू मेरे घर से। अरे फ्रैंकिन भैया प्लीज इसे बंद कर दीजिए फ्रैंकिन भैया, वरना मैं मर जाऊंगी, मेरी आत्मा मर जाएगी। फ्रैंकिन भैया प्लीज फ्रैंकिन भैया मेरे ऊपर तलस खाइए फ्रैंकिन भैया। अरे नहीं फ्रैंकिन भैया ये कोई बुरी आत्मा है, आपको बहकाने की कोशिश कर ले, इसके बातों में मत आइएगा। हाँ यार शिनचैन मैं समझ रहा हूँ ये कोई बुरी आत्मा है, इसे मर जाना ही बेहतर है। अरे प्लीज यार प्लीज समझने की कोशिश करो फ्रैंकिन भैया, प्लीज फ्रैंकिन भैया मैं मर जाऊंगा, ये आग को बुझा दीजिए फ्रैंकिन भैया। अरे फ्रैंकिन भैया मैं आपको एक क्लू देता हूँ, इस नकली शिनचैन से पूछिए कि आपने सुबह सुबह मुझसे कौन सी बात की थी, कौन सी बात, प्लीज फ्रैंकिन भैया से पूछिए। अच्छा ठीक है तो तू
तू बता यार सिंचन, मैंने तुझे कौन सी एक बहुत अच्छी बात पर्सनल बात बताई थी? अरे यार अब तो मैं तो फंस गया, मैं तो सुन नहीं पाया था। सिंचन और फ्रैंकलिन कुछ सुबह सुबह बात कर रहे थे। अरे देखा फ्रैंकलिन भैया, ये नहीं बता पा रहा है, मैं खुद बताता हूँ। आपने मुझे एक लड़की के बारे में बताया था सुबह सुबह, किसी लड़की को आप बहुत पसंद करते हैं। प्लीज फ्रैंकलिन भैया इसे बंद कर दीजिए। अबे यार ये मेरा सिंचन है। ठीक है मैं ये आग को बुझाता हूँ अभी फटाफट से। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, मैं ही आपका सिंचन हूँ। आपने मुझे बताया था एक लड़की के बारे में कि आपको एक लड़की पसंद आई है, मुझे सब पता है, आप मेरा यकीन नहीं कर लेते। फ्रैंकलिन भैया आपने मुझे ही मारने की कोशिश की अपने प्याले छोटे भाई सिंचन को। यार सिंचन तू मेरा भाई, तुझे कैसे सिंचन ने मारा? अब मैं इस सिंचन को नहीं छोड़ूंगा। अरे ठीक है निकल लेता हूँ फ्रैंकलिन, इससे पहले मुझे मारे। अरे फ्रैंकलिन भैया वो भाग रहा है, उसे पकड़िए। तू मुझसे नहीं भाग सकता सिंचन, तूने मेरे सिंचन को मारा, मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। ठीक है सिंचन मरने के लिए रेडी हो जा। अरे तो मैं तुझे कौन सा छोड़ दूंगा फ्रैंकलिन, तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा क्या? अरे हाँ तो मैं तुझे कौन सा छोड़ने वाला हूँ, तूने मेरे सिंचन का कत्ल किया है। अबे कहाँ चल रही है बंदूक, ये ले सिंचन, ये ले तू भटखरा, ये ले पिंचन, ये ले एक लार। अरे ठीक है मत मार फ्रैंकलिन। अबे ये ले। हाँ तो पिंचन तेरा यही हाल होना था, तूने मेरे सिंचन को बिना मतलब बिना वजह के तूने उसे मार दिया। मतलब तू एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए किसी एक अच्छे मासूम की जिंदगी खत्म कर देगा, तो तू इसी लायक का था पिंचन, ये ले एक और। चल ठीक है मैं चलता हूँ। यार मेरे भाई सिंचन मुझे माफ कर दे, मैं तुझे पहचान नहीं पाया मेरे भाई। अरे कोई बात नहीं फ्रैंकलिन भैया, आपने मेरी मौत का बदला ले लिया इस पिंचन से, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा हुआ आपने मुझसे एक लड़की के बारे में सुबह बताया था, अगर वो बात नहीं पता होती तो आज तो आप मुझे माल डालते और ये पिंचैन मेरी जगह हमेशा रहता। यार सिंचैन मैं इस बात पे बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने सगे छोटे भाई को नहीं पहचान पाया, जो कि मेरा जिगरी भाई था, जिसके लिए मैं सुबह ब्रेकफास्ट बना के रखा था। अब मैं किसे दूंगा यार सिंचैन, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। क्या तू अब जिंदा वापस नहीं हो सकता है? अरे फ्रैंकलिन भैया क्यों नहीं जिंदा हो सकता हूँ, अगर आपके दोस्त कमेंट्स में लिखेंगे पार्ट टू तो उस पार्ट टू में मैं जिंदा हो जाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों प्लीज प्लीज मेरे सिंचन के खातिर कमेंट में पार्ट टू जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अपने सिंचन को जिंदा कर सकूं कैसे भी, क्योंकि मैं अपने भाई सिंचन के बिना कभी नहीं रह सकता। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया आप घबराइए नहीं, आपके दोस्त वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और प्लस कमेंट्स में पार्ट टू जरूर लिखेंगे, क्योंकि वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं दोबारा से जिंदा हूँ। हाँ यार सिंचन पर मैं बाकी तुझे पहचान नहीं पाया, इस चीज के मुझे बहुत गम है, बहुत ही सदमा है, पर तू परेशान मत हो मेरे भाई, मैं तुझे जरूर जिंदा करूंगा। मुझे जिंदा करने वाली क्यों ना किताब ढूंढनी पड़े, कहीं से भी मैं ढूंढ कर लाऊंगा और तुझे जिंदा करूंगा। अरे हाँ ठीक है फ्रैंकलिन भैया अब मैं चलता हूँ, मेरा जाने का वक्त हो गया। नहीं यार सिंचन प्लीज प्लीज सिंचन मत जाना मेरे भाई, तू यहीं रहे प्लीज सिंचन। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया मुझे जाना ही पड़ेगा, प्रकृति का यही वसूल है कि जो मर गया वो नहीं रह सकता धरती पे, पर प्लीज सिंचन तू रह जाना यार मेरे भाई प्लीज। अलविदा फ्रैंकलिन भैया। सिंचन मेरे भाई सिंचन। यार मेरा सिंचन मुझे छोड़कर चला गया, मैं अपने सिंचन को पहचान तक नहीं पाया और उसे आग से जलाने की कोशिश की, यहाँ तक कि जान से भी मारने की कोशिश की। फिलहाल मेरा सिंचन मर चुका था, मतलब उसकी आत्मा को मैंने जलाने की कोशिश की इस धोखे बाद पिंचैन के लिए। तो कुछ भी हो जाए मुझे अपने सिंचन को जिंदा करना है यार।